अच्छा 30 मिनट का स्पेस है। गुड मॉर्निंग साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। आप देख सकते हैं मैं क्लेमेंट टाउन में हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं रामगढ़ रेंज। और मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है भैया, रेड बल्ब कर दिया। साथियों नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। साथियों आप देख सकते हैं सुबह हम लोगों ने 6 बजे साइकिलिंग स्टार्ट करी थी। साइकिलिंग हमारी सामने दिख रही है, आप देख सकते हैं। और 45 to 50 मिनट्स में हम लोग देहरादून में क्लेमेंट टाउन पहुँच चुके हैं। और लगभग 30 to 40 मिनट्स में ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। साथियों ये बहुत शानदार जगह है, आप देख सकते हैं पेड़ हिल रहा है और मैं भी हिल रहा हूँ। मेरा वजन 1 क्विंटल है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करूँगा, आप देख सकते हैं बंदर ऐसे ही करते हैं। मोगली, ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे YouTube के माध्यम से। ठीक है साथियों, नमस्कार, आपका दिन मंगल रहे। साथियों आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है लगभग ग्राउंड लेवल से 10 से 15 फीट ऊपर है और ये हिल रहा है कंटिन्यू। और ये सूर्य भगवान का प्रकाश, ये आप देख सकते हैं। ओह साथियों, ये वो पेड़ है जो उखड़ चुका था, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे फोटोग्राफी होती है, बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और लैला मजनू भी आते हैं। देखो ये है हाइट स्पीड की, यहाँ से ये, और मैं वहाँ तक गया था, आपने देखा ही होगा। देखो व्यू, देखो कितना अच्छा है। ठीक है साथियों, मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने घर की ओर। भैया 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 एक्सक्यूज मी भैया, ये भैया एकदम बिंदास मस्ती में साइकिलिंग करते हुए। भैया मेरे आदर्श हैं, बस मैंने एक बार सोचा था कि उनको काश मैं यह जगह एक्सप्लोर करूँगा, यह जगह दिखाऊंगा, और उन्होंने मुझे, मेरे साथ वो यहाँ पे आए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं ये गगनचुंबी पेड़ हैं। ये इनकी हाइट लगभग मोर देन 100 फीट्स 150 फीट्स के अराउंड है। ये वही जंगल है जो क्लेमेंटाउन में पड़ता है। ये ये सब कुछ तो पेड़ हाथियों ने गिराए हैं, कुछ अपने आप टूटे हैं, आप देख सकते हैं। इस जंगल में हाथियों का तांता लगा रहता है, चीतल मोर हिरन मैं हमेशा देखता रहता हूँ। और यहाँ पे छोटा गुलदार भी है, वो हानिकारक तो नहीं है पर फिर भी छोटे छोटे जानवरों के लिए बहुत खतरा है। ठीक है साथियों, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।